ओके एवरीवन, तो चैप्टर आर्टिकल पार्ट टू, ठीक है। कौन से टॉपिक को देख रहे हैं हम लोग? टॉपिक द को देख रहे हैं, डेफिनेट आर्टिकल को देख रहे हैं। पॉइंट नंबर 8 पढ़ेंगे, है ना। अभी तक 7 पॉइंट्स हम लोग देख चुके हैं कि कब कब हमें द को यूज करना है। पॉइंट नंबर 8 में क्या नया है, क्या खास है, आइए देखते हैं। बोला जा रहा है एवरीवन, वी यूज द, और द इज यूज बिफोर अ प्रॉपर नाउन टू यूज इट एज कॉमन नाउन। ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है एवरीवन कि प्रॉपर नाउन के पहले हम द यूज करते हैं ताकि वो कॉमन नाउन हो जाए। याद कीजिए एवरीवन फर्स्ट पॉइंट को, पहले पॉइंट को क्या पढ़ा था हमने कि नाउन 5 प्रकार का होता है। देर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट में बताया गया कि नाउन 5 प्रकार के जरूर होते हैं, लेकिन द सिर्फ कॉमन नाउन के ही पहले यूज होता है जब वो सिंगुलर होता है, है ना। कहने का मतलब दूसरे शब्दों में क्या है कि बाकी चारों के पहले द नॉर्मली यूज नहीं होता है, बाकी चारों में प्रॉपर नाउन भी आता है एवरीवन। तो प्रॉपर नाउन यानी किसी खास नाम के पहले द यूज नहीं होता है एवरीवन, ठीक है, याद रखना है आपको। तो अभी यहां पे बोला जा रहा है कि ठीक है, प्रॉपर नाउन के पहले द नॉर्मली यूज नहीं होता है, लेकिन अगर उस प्रॉपर नाउन को आपको कॉमन नाउन के तरह यूज करना है, वो नाम किसी खास व्यक्ति का है, वस्तु का या स्थान का है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो नाम किसी और के लिए भी यूज हो, तो उस नाम को आपको कॉमन बनाना होगा, है ना। उसको व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनाना होगा। कैसे? बहुत सिंपल है, उसके पहले द लगा के, और फिर आप क्या कर सकते हैं, किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, है ना। अभी जो पॉइंट है, ये जो बात है, एवरीवन एग्जांपल के माध्यम से हम देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, ज्यादा स्पष्ट होगा। आइए एग्जांपल पर आते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, ही इज द सचिन ऑफ आवर टीम, वो हमारी टीम का सचिन है। सचिन है मतलब क्या, कि आपकी टीम में सचिन तेंदुलकर आ गए क्या खेलने इंडियन क्रिकेट टीम से रिटायर होकर? नहीं नहीं, अब ये सचिन ऑब्वियस है, सचिन तेंदुलकर की बात हो रही है ना, लेकिन हम ओरिजिनल सचिन तेंदुलकर की बात नहीं कर रहे हैं। नाम हमने जरूर सचिन का लिया है, लेकिन हम बात सचिन की क्वालिटी की कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो सचिन है, ये प्रॉपर नाम नहीं, ये कॉमन नाउन हो गया है। कैसे? उसके पहले द के लगने से, ठीक है। ही इज द सचिन ऑफ आवर टीम, कहने का मतलब ये हुआ एवरीवन कि वो हमारी टीम का मेन प्लेयर है ना, मेन बैट्समैन है, ठीक है, की बैट्समैन है, सबसे अच्छा बैट्समैन है, बेस्ट बैट्समैन है। तो ये जो नाम है सचिन, सचिन तेंदुलकर, ये पर्याय है, ये सिनोनिम है, ये प्रतीक है बेस्ट बैट्समैन होने का। सो एवरीवन, हमारी ये फितरत रही है कि हम हर बात को सीधे सीधे बोलते नहीं, हर बात को सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में कहते नहीं है, इंसानों की फितरत रही है ना। हम बहुत सारी बातों को घुमा फिरा के बोलते हैं, है ना। तो उसी क्रम में ये वाला पॉइंट बन गया है, ठीक है। देखिए, आप नाम सचिन का ले रहे हैं, लेकिन बात कर रहे हैं बेस्ट बैट्समैन की, है ना, बेस्ट प्लेयर की, बेस्ट क्रिकेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर है। कालिदास भारत के शेक्सपियर है मतलब क्या, कालिदास में शेक्सपियर की आत्मा चली गई थी क्या? नहीं, शेक्सपियर कहने का मतलब है यहाँ पे ग्रेटेस्ट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। आप सबको पता होना चाहिए कि शेक्सपियर को अंग्रेजी भाषा का सबसे बड़ा पोएट और ड्रामेटिस्ट माना जाता है। तो जैसे वो इंग्लिश के ग्रेटेस्ट पोएट और ड्रामेटिस्ट हैं, वैसे ही भारत का, इंडिया का सबसे बड़ा पोएट और ड्रामेटिस्ट माना जाता है। किसको? कालिदास को। तो बात सीधे सीधे कही जा सकती थी कि कालिदास भारत के सबसे बड़े पोएट और ड्रामेटिस्ट है, लेकिन बात को देखिए थोड़ा घुमाया गया है। कैसे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, कालिदास का ना कंपैरिजन शेक्सपियर से किया जा रहा है। अब इस क्रम में हुआ क्या, शेक्सपियर जो कि ओरिजिनली प्रॉपर नाउन है, किसी खास व्यक्ति का नाम है, अभी उसको कॉमन नाउन की तरह यूज किया जा रहा है ना। शेक्सपियर नाम को किसी और नाम के लिए यूज किया जा रहा है, किसी और व्यक्ति को शेक्सपियर बोला जा रहा है। तो किसी भी व्यक्ति को आप शेक्सपियर बोलेंगे, इसका मतलब आप उसको ग्रेटेस्ट पोएट और ड्रामेटिस्ट बोल रहे हैं। सो शेक्सपियर के पहले द लगा, शेक्सपियर प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जितने एग्जांपल्स देखेंगे पॉइंट उतना ही क्लियर होगा। एक एग्जांपल और है, अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है। अब मैनचेस्टर का नाम सुना होगा आपने, ये वर्ल्ड फेमस सिटी है, विश्व प्रसिद्ध शहर है, इंग्लैंड में है, और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है ना, वस्त्र उद्योग के लिए बहुत फेमस है। अब देखिए, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि
कि जो खूबी मैनचेस्टर में वही खूबी अहमदाबाद में है। तो जैसे मैनचेस्टर वर्ल्ड में फेमस है, वैसे ही अहमदाबाद पूरे इंडिया में फेमस है। तो सीधे सीधे हम कह सकते थे क्या कि अहमदाबाद भारत का सबसे प्रसिद्ध शहर है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। लेकिन हमने थोड़ा बात को घुमाया, कैसे बोला हमने, हमने अहमदाबाद का कंपैरिजन किया मैनचेस्टर के साथ, हमने अहमदाबाद के लिए मैनचेस्टर नाम का इस्तेमाल किया। अब इस क्रम में हुआ क्या कि ये जो प्रॉपर नाउन है मैनचेस्टर, उसके पहले हमने द लगाया और उसको कॉमन नाउन बनाया। ये कॉमन नाउन बना तभी अहमदाबाद के लिए यूज हुआ। ठीक है एवरीवन, तो इस तरह से किसी प्रॉपर नाउन के पहले आप द लगाकर उसको कॉमन नाउन बना सकते हैं, और जब वो कॉमन नाउन बन जाएगा तो फिर उस कॉमन नाउन को आप बाकियों के लिए भी यूज कर सकते हैं। और इस तरह के वाक्य हम लोग डेली लाइफ में बहुत बोलते हैं। ठीक है एवरीवन, तो ये था पॉइंट नंबर 8। ओके एवरीवन, पॉइंट नंबर 9 ये लास्ट पॉइंट है एवरीवन टॉपिक द का, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन एनी वे, है ना, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि कौन कौन से प्रॉपर नाउन के पहले द लगेगा। फिर से बात प्रॉपर नाउन के पहले पॉइंट पे आपने सुना है कि नॉर्मली प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगता है, सही बात है, नहीं लगता है, लेकिन अभी जो प्रॉपर नाउन आने वाले हैं उनके पहले द यूज होता है। ध्यान से देखिएगा सबको, सबसे पहली चीज है एवरीवन रिवर, नदी, है ना, नदी एक तरह का वाटर बॉडी होता है। तो दुनिया की जितनी भी नदियां हैं हर नदी के एग्जाम्पल एवरीवन द गंगा, द थेम्स, जैसा कि मैं कह रहा था आपको कि दुनिया की जितनी भी नदियां हैं सब के नाम के पहले आपको द इस्तेमाल करना है। समझ पा रहे हैं बात को? तो आप सिर्फ गंगा नहीं बोलेंगे, द गंगा बोलेंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, द गंगा इज वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया, इस तरह के से। तो सिर्फ गंगा नहीं, द गंगा, वैसे ही थेम्स नहीं, द थेम्स, है ना, एटसेट्रा। जितनी भी नदियां हैं सबके नाम के पहले आपको द यूज करना है। ओके, रिवर के बाद आती है दूसरे वाटर बॉडी की सीज, समुद्र, नदी से बड़ा होता है समुद्र। तो समुद्र और सागर के नाम के पहले भी आपको द लगाना है। जैसे आप सिर्फ अरेबियन सी नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे द अरेबियन सी, ठीक है। आप सिर्फ रेड सी नहीं बोलेंगे, द रेड सी, है ना, द कैस्पियन सी, द डेड सी, द ब्लैक सी, द मेडिटेरेनियन सी। सो लॉट्स ऑफ सीज आर ऑल्सो देयर लाइक रिवर्स, सो यू हैव टू यूज द बिफोर सीज एज वेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओशन, है ना, सबसे बड़ा वाटर बॉडी है एवरीवन, महासागर इसको हिंदी में कहते हैं। तो 5 महासागर हैं हमारी धरती पर, सबके नाम के पहले द लगाना है, है ना। 2 के तो नाम यहां मैंने लिख भी रखे हैं, द इंडियन ओशन, हिंद महासागर जिसको हिंदी में कहते हैं, द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, द अटलांटिक ओशन, द आर्कटिक ओशन, द साउदर्न ओशन। हर ओशन के नाम के पहले आपको द यूज करना है। आगे बढ़ते हैं, बे, बे को एवरीवन हिंदी में खारी बोलते हैं, बे को हिंदी में बोलते हैं खारी। गल्फ को भी हिंदी में खारी ही बोलते हैं, बे और गल्फ दोनों को हिंदी में कहते हैं खारी। तो बे हो या गल्फ हो, दोनों के नाम के पहले द लगना चाहिए। जैसे द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मन्नार, द गल्फ ऑफ खंबा, द गल्फ ऑफ मेक्सिको, द पर्सियन गल्फ। तो हर गल्फ और बे के नाम के पहले द यूज होगा। आगे बढ़ते हैं एवरीवन, अगली चीज है स्ट्रेट। स्ट्रेट को हिंदी में कहते हैं जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य, ठीक है। तो जल डमरू मध्य के नाम के पहले भी द लगाना है आपको। जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक स्ट्रेट, तो सिर्फ पाक स्ट्रेट नहीं बोलेंगे आप इंग्लिश का सेंटेंस बोलते समय, द पाक स्ट्रेट, द बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है एवरीवन। चलिए उसके बाद एक कैनल, कैनल को कहते हैं हिंदी में नहर, नहर के नाम के पहले भी द लगता है। द इंदिरा गांधी कैनाल, द स्वेज कैनाल, द पनामा कैनाल, सबके पहले द लगाना है। उसके बाद एवरीवन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, है ना, आइलैंड, पहली चीज कि इसको आइलैंड पढ़ते हैं, आइलैंड, ठीक है, एस साइलेंट होता है, एस की आवाज नहीं आती, बहुत लोग इसको आइसलैंड पढ़ते हैं। तो ये आइलैंड है, टापू, द्वीप, ठीक है। दूसरी चीज कि द्वीप के नाम के पहले द नहीं होता है, किसी एक द्वीप के नाम के पहले द नहीं होता है, द्वीप समूह के नाम के पहले होता है द। जैसे अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, है ना, अंडमान और निकोबार बहुत सारे द्वीपों का समूह है, तो द्वीपों के समूह के नाम के पहले द लगता है। श्रीलंका भी एक द्वीप है, तो उसके नाम के पहले द नहीं लगता है, ठीक है, द श्रीलंका नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं एवरीवन, माउंटेन रेंज, पर्वतमाला, पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणी।
तो पर्वत, पहाड़, चोटी के नाम के पहले भी द नहीं होता है, तो एक पहाड़ के नाम के पहले द नहीं होता है। जैसे आप द माउंट एवरेस्ट नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन अगर वो पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी, बहुत सारे पहाड़ों का समूह है, तब द लगेगा। जैसे माउंट एवरेस्ट के पहले द नहीं आएगा, लेकिन हिमालयस के पहले द आ जाएगा, अरावलीज के पहले द आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेजर्ट, मरुस्थल बोलते हैं इसको हिंदी में, मरुस्थल, मरुभूमि, ठीक है एवरीवन। तो हर डेजर्ट के नाम के पहले भी आपको लगाना है द, द थार, द सहारा, द गोबी, द अटाकामा। चलिए उसके बाद है एवरीवन पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक दल, ठीक है। तो कोई भी राजनीतिक दल है तो उसके नाम के पहले भी द यूज होता है, जैसे द बीजेपी, द INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, द RJD राष्ट्रीय जनता दल। तो कोई भी राजनीतिक दल है एवरीवन, उसके नाम के पहले भी अंग्रेजी बोलते समय, अंग्रेजी का सेंटेंस यूज करते समय आप द लगाएंगे। उसके बाद एवरीवन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स के पहले भी द लगाते हैं, जैसे द ताज होटल, द वीनस। वीनस ये किसी प्लैनेट का नाम नहीं, वो किसी होटल या रेस्टोरेंट का नाम है, इसलिए उसके पहले आपको द दिख रहा है। तो कोई भी होटल और रेस्टोरेंट उसके पहले द यूज होगा, ठीक है एवरीवन। आगे बढ़ते हैं एवरीवन, आगे कुछ हिस्टोरिकल चीजें हैं, ऐतिहासिक चीजें हैं, है ना, वो चीजें हैं जो इतिहास से संबंधित है, उनके पहले भी द यूज होता है, ठीक है। तो पहली चीज है एज, पहली चीज है एवरीवन एज। एज को हिंदी में युग कहते हैं, एज को हिंदी में कहते हैं युग, है ना। तो ऐतिहासिक युग के पहले द यूज होता है, जैसे द स्टोन एज, द आयरन एज, द कॉपर एज, द आइस एज, इस तरह से एवरीवन, द मॉडर्न एज, द मेडिएवल एज, ठीक है, इन सब के पहले द यूज होता है। नेक्स्ट थिंग इज पीरियड, पीरियड को हिंदी में काल कहते हैं, हिस्टोरिकल पीरियड यानी ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के पहले भी द यूज करते हैं एवरीवन, जैसे द मुगल पीरियड, द मौर्यन पीरियड, द ब्रिटिश पीरियड, इस तरह से। अगली चीज है एम्पायर, एम्पायर को हिंदी में कहते हैं साम्राज्य, तो ऐतिहासिक साम्राज्यों के नाम के पहले भी द यूज होता है ना, जैसे द ब्रिटिश एम्पायर, द रोमन एम्पायर, ठीक है एवरीवन, द मुगल एम्पायर, द मौर्यन एम्पायर, सबके नाम के पहले द यूज करना है। अगली चीज है डिनेस्टी, डिनेस्टी को हिंदी में वंश कहते हैं, तो ऐतिहासिक वंशों के पहले भी द लगता है, जैसे द स्लेव डिनेस्टी जिसको हिंदी में गुलाम वंश कहते हैं, द खिलजी डिनेस्टी, द सैयद डिनेस्टी, द तुगलक डिनेस्टी, है ना, द मुगल डिनेस्टी, पढ़ा होगा आपने। अगली चीज है इवेंट, इवेंट यानी घटना, है ना, कोई भी ऐतिहासिक घटना है एवरीवन उसके पहले द लगता है। अब इतिहास तो घटनाओं से भरी हुई है, यानी हर घटना के पहले आपको द यूज करना है, नहीं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है एवरीवन, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इस तरह से। आगे बढ़ते बिल्डिंग, बिल्डिंग यानी भवन, इमारत, तो ऐतिहासिक भवन या इमारत के नाम के पहले भी द यूज होता है, ऐतिहासिक भवन या इमारत के नाम के पहले भी एवरीवन द यूज होता है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द जंतर मंतर, द हवा महल, ठीक है एवरीवन। तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के पहले भी आपको द यूज करना है। आगे बढ़ते हैं, अगली दो चीज एवरीवन म्यूजियम और लाइब्रेरी। लाइब्रेरी आप समझ रहे हैं पुस्तकालय, ठीक है, और म्यूजियम को हिंदी में संग्रहालय कहते हैं, अजायब घर भी बोलते हैं। तो कोई म्यूजियम है, लाइब्रेरी है, उसके नाम के पहले भी द यूज करेंगे आप, द गांधी म्यूजियम, ठीक है, एक एग्जांपल एवरीवन, द गांधी म्यूजियम, द खुदा बख्श लाइब्रेरी, ठीक है एवरीवन, द कोलकाता म्यूजियम, तो नाम है उसके पहले आपको द लगाना है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र, ठीक है एवरीवन, तो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके पहले द लगेगा, जैसे द तबला, द गिटार, द हारमोनियम, ठीक है एवरीवन। आगे टेम्पल, टेम्पल आपको पता है मंदिर होता है, तो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, पूजा करने का कोई भी स्थान हो, स्थल, उसके नाम के पहले द होता है, जैसे द गोल्डन टेम्पल, द मीनाक्षी टेम्पल, द सन टेम्पल, द कोणार्क टेम्पल, ठीक है एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, शिप, एरोप्लेन और ट्रेन के नाम के पहले भी द लगता है, ठीक है, ट्रेन का एग्जाम्पल है द राजधानी एक्सप्रेस, एरोप्लेन का एग्जाम्पल है द एयर इंडिया, शिप का एग्जाम्पल है एवरीवन द टाइटेनिक, ठीक है। तो शिप, एरोप्लेन और ट्रेन के नाम के पहले भी आपको द यूज करना है।
आगे है न्यूज़पेपर और मैगजीन। न्यूज़पेपर यानी अखबार, समाचार पत्र। तो समाचार पत्रों के नाम के पहले भी द होता है एवरीवन, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान, द दैनिक जागरण। ठीक है एवरीवन, तो कोई न्यूज़पेपर है उसके नाम के पहले द लगाना है। मैगजीन यानी पत्रिका के नाम के पहले भी द लगाते हैं एवरीवन, जैसे द इंडिया टुडे। ठीक है, चलिए आगे है रिलीजन, कम्युनिटी और रिलीजियस बुक। रिलीजन यानी धर्म, कम्युनिटी यानी समुदाय संप्रदाय, रिलीजियस बुक यानी धार्मिक ग्रंथ। तो धर्म, धार्मिक ग्रंथ और समुदाय के नाम के पहले भी द लगाना है आपको। द हिंदुइज्म रिलीजन है, धर्म है, द लगाए। द इस्लाम, द क्रिश्चियनिटी, द सिखिज्म, द बुद्धिज्म, द जैनिज्म। ठीक है एवरीवन, कम्युनिटी के नाम के पहले भी द लगाते हैं। कम्युनिटी का एग्जाम्पल दिया नहीं मैंने, अभी देता हूँ। द कम्युनिटी जैसे द राजपूत्स, है ना, समुदाय है, संप्रदाय है। द राजपूत, द ब्राह्मण्स, है ना, द गोंड्स, द खोंड्स, कोई भी कम्युनिटी है, समुदाय है, संप्रदाय है, उसके नाम के पहले भी द होता है। और द रामायण क्या है एवरीवन, रिलीजियस बुक है, धार्मिक ग्रंथ है, उसके नाम के पहले भी द लगता है, द रामायण, द बाइबल। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज है एवरीवन नोट करने लायक, कि अगर ऑथर का नाम आ जाता है, अगर एवरीवन ऑथर का नाम आ जाता है उस रिलीजियस बुक के नाम के पहले, तब वहां पे द यूज नहीं करेंगे आप, है ना। तो द रामायण बोलेंगे आप, लेकिन द वाल्मीकिज रामायण बोलना गलत माना जाएगा, सिर्फ वाल्मीकिज रामायण बोलेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, देश दुनिया में बहुत है एवरीवन, 200 के करीब देश है दुनिया में, हमारे धरती पर, लेकिन हर देश के नाम के पहले द नहीं होता है। द इंडिया, द जापान, द चाइना, द पाकिस्तान, द अफगानिस्तान नहीं होता, लेकिन इन देशों के नामों के पहले द लगाना है आपको। सिर्फ यूके नहीं, द यूके, द यूएसए, द यूएसएसआर, द नीदरलैंड्स, द वेस्ट इंडीज, इस तरह से प्रयोग। अब इन सब के पहले द क्यों लगता है? रूल ऐसा है कि जिस भी देश के नाम में कोई कॉमन नाउन आएगा, जैसे स्टेट, रिपब्लिक, किंगडम, इस तरह से, उस देश के नाम के पहले हम द लगाते हैं। ठीक है, जिस देश के नाम में कॉमन नाउन आएगा उसके पहले हमें द लगाना है। या फिर एक और रूल है, जिस देश का नाम प्लूरल है, है ना, जिसका लास्ट ट्रेस है, उसके नाम के पहले भी द लगाते हैं, जैसे द नीदरलैंड्स। ठीक है, चलिए, अब नॉर्मली किसी प्लेस के नाम के पहले द नहीं लगाते, लेकिन ये दो ऐसे प्लेस हैं, डेक्कन और पंजाब, इनके पहले द लगता है, द डेक्कन और द पंजाब। तो ये एवरीवन नाइन्थ पॉइंट था, लास्ट पॉइंट था, जिसने आपको बताया कि कौन कौन से प्रॉपर नाउन के पहले आप द लगाएंगे नॉर्मली। ठीक है, ओके एवरीवन, अगला टॉपिक है हमारा पोजीशन ऑफ आर्टिकल, है ना। जैसा कि इसका नाम है पोजीशन ऑफ आर्टिकल, तो हम देखने वाले हैं कि आर्टिकल कब कहाँ आएगा सेंटेंस में, है ना, क्योंकि आर्टिकल का पोजीशन फिक्स नहीं है, हर बार वो एक ही जगह आता नहीं है, हर बार वो एक ही जगह यूज नहीं होगा, हर बार वो एक ही जगह नहीं दिखाई देगा आपको। तो कब कहाँ आएगा नहीं आएगा, वो ये हमें देखना है इस टॉपिक में। 6 पॉइंट्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझते हैं। देखिए एवरीवन, पहला पॉइंट बोल रहा है कि नॉर्मली आर्टिकल किसी नाउन के पहले आता है सेंटेंस में, वाक्य में आर्टिकल किसी नाउन के पहले आता है नॉर्मली, सामान्यतः। ठीक है, जैसे देखिए यू आर एन इंजीनियर, देख पा रहे हैं सब? देखिए, ये इंजीनियर क्या है, नाउन है, और उसके ठीक पहले आया एन, है ना। तो ये एवरीवन नॉर्मल सिचुएशन है, ये नॉर्मल सर्कमस्टांस है। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कोई आर्टिकल किसी नाउन के पहले ही आता है, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि आर्टिकल आपने पढ़ा है डिटर्मिनर होता है, डिटर्मिनर नाउन को क्वालिफाई करता है, तो आर्टिकल भी नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड हुआ, तो वो नॉर्मली किसी नाउन के ही पहले आता है। नाउन होगा तभी आर्टिकल होगा, नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कहना चाहता है हमसे। चलिए देखिए, अगर सिर्फ नाउन होता है तो उसके पहले आर्टिकल आ जाता है, लेकिन अगर किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए उसका एडजेक्टिव भी आया है तब क्या, तब तो फिर आर्टिकल नाउन के पहले आएगा नहीं,
तब तो फिर वो एडजेक्टिव के पहले आएगा, पोजिशन चेंज हो गया यहाँ पे, है ना। देखिए जैसे नाउन है आपका इंजीनियर, ठीक है, और उसको क्वालिफाई करने के लिए आ गया एक वर्ड, एक एडजेक्टिव गुड, ठीक है। और चलिए इसको सेंटेंस का फॉर्म दे देते हैं, यू आर गुड इंजीनियर। तो क्या लगता है आपको, यू आर गुड एन इंजीनियर? नहीं, यू आर अ गुड इंजीनियर, ठीक है। आर्टिकल नाउन के पहले नहीं आएगा एवरीवन, आर्टिकल अब एडजेक्टिव के पहले आएगा, ठीक है, पोजीशन चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर नाउन है उसको क्वालिफाई करने कोई एडजेक्टिव आया हुआ है और उस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने कोई एडवर्ब आया हुआ है, तब आर्टिकल ना तो नाउन के पहले होगा ना ही एडजेक्टिव के पहले होगा, वो एडवर्ब के पहले होगा। समझ पा रहे बात को, एडजेक्टिव यानी विशेषण आता है नाउन को क्वालिफाई करने, नाउन के बारे में बताने, नाउन के बारे में एक इंफॉर्मेशन देने, एडवर्ब आता है एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने। तो जब सेंटेंस में शब्द इस तरीके से अरेंज्ड हैं तो आर्टिकल कहां होगा एवरीवन, एडवर्ब के ठीक पहले। देख लीजिए एग्जांपल, देख लीजिए एवरीवन। चलिए नाउन मैंने फिर से इंजीनियर ही ले लिया, ठीक है, और उसको क्वालिफाई करने आ गया एडजेक्टिव गुड, और गुड को क्वालिफाई करने आ गया एडवर्ब वेरी। चलिए और ये सब्जेक्ट और वर्ब यूज करके मैंने उसको सेंटेंस का एक फॉर्म दे दिया। क्या लगता है आर्टिकल कहाँ होना चाहिए, यू आर वेरी गुड एन इंजीनियर, यू आर वेरी अ गुड इंजीनियर? नहीं, आर्टिकल कहाँ होगा, एडवर्ब के ठीक पहले, यानी यहाँ पे। सो यू आर अ वेरी गुड इंजीनियर, ठीक है। आइए चौथे पॉइंट पर आते हैं, ठीक है एवरीवन। देखिए अगर सेंटेंस में नाउन है उसको क्वालिफाई करने कोई एडजेक्टिव आया हुआ है और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने कौन आता है, एडवर्ब आता है, ठीक है। तो अभी आपको बताना है कि आर्टिकल इस केस में कहाँ यूज होगा। देखिए चौथा पॉइंट तीसरे पॉइंट के ही जैसा है, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पे एडवर्ब के बदले ये चार शब्द हैं सिर्फ, सो टू एज और हाउ। तो अगर एडवर्ब के बदले इन चारों में से कोई एक शब्द आता है तो कहानी बदल जाती है एवरीवन, रूल बदल जाता है। कैसे, इस केस में आर्टिकल कहीं और नहीं आएगा, कहीं और नहीं आना चाहिए, नाउन के ही पहले आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए, नाउन है, नाउन है एवरीवन बिजनेसमैन, उसको क्वालिफाई करने एडजेक्टिव आ गया सक्सेसफुल, ठीक है, और इन चारों में से किसी एक एडवर्ब को यूज करना है। चलिए मैंने सो को यूज कर लिया और सब्जेक्ट और वर्ब का यूज करते हुए मैंने उसको एक सेंटेंस का रूप भी दे दिया, तो सेंटेंस बन गया ही इज सो सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ही इज सो सक्सेसफुल बिजनेसमैन। क्या लगता है आपको एवरीवन, क्या लगता है कहां होना चाहिए आर्टिकल? बता चुका हूं मैं, नाउन के ही पहले होगा, कहीं और नहीं होगा। सो करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज सो सक्सेसफुल अ बिजनेसमैन। बहुत लोगों को लगेगा कि सो के पहले होना चाहिए, नहीं, वो सक्सेसफुल के पहले भी नहीं होगा, बिजनेसमैन के पहले होगा। चलिए पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या कहता है एवरीवन कि अगर नाउन है उसको क्वालिफाई करने कोई एडजेक्टिव आया है और एडजेक्टिव क्वालिफाई करने कोई एडवर्ब आया है, लेकिन एडवर्ब कोई भी नहीं इन तीनों में से कोई एक, व्हाट, सच या क्वाइट, तब इस केस में कहां होगा आर्टिकल, बताइएगा आप लोग। एग्जांपल लिखता हूं मैं, देखिए नाउन ले लिया मैंने शॉर्ट, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया नाइस, और इन तीनों में से किसी को लेना है तो मैंने व्हाट को ले लिया। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन भी दे दिया मैंने। क्या लगता है आर्टिकल कहाँ होना चाहिए इस केस में, आर्टिकल कहाँ होगा, कहाँ होगा, कहाँ होगा, एडजेक्टिव के पहले होगा। कहाँ होगा एवरीवन, एडजेक्टिव पहले। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, व्हाट अ नाइस शॉट। समझ में आ रही है बात, ओके। लास्ट पॉइंट, ठीक है एवरीवन, पॉइंट नंबर सिक्स क्या कहने आए ये कि अगर आपके सेंटेंस में नाउन है उसको क्वालिफाई करने कोई एडजेक्टिव आया हुआ है और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने एक वर्ड आया, एक एडवर्ब आया है रादर, एक वर्ड आया, एक एडवर्ब आया रादर, अभी क्या लगता है आपको आर्टिकल कहाँ होना चाहिए? तो इस केस में एवरीवन आर्टिकल या तो रादर के पहले होगा या तो रादर के बाद, आपकी मर्जी, आप रादर के पहले भी ला सकते हैं, रादर के बाद भी ला सकते हैं। जैसे देखिए नाउन है प्रॉब्लम,
ठीक है, एडजेक्टिव है डिफिकल्ट, और आदर तो यूज करना ही है आपको एडवर्ब के रूप में, ठीक है। अभी इट इज लगा के इसको सेंटेंस का एक फॉर्म दिया गया, सो सेंटेंस बन गया इट इज रादर डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो क्या बताया मैंने कि आर्टिकल को आप रादर के पहले भी ला सकते हैं, रादर के बाद भी ला सकते हैं, आपकी मर्जी, मीनिंग का कोई अंतर नहीं आता है। चलिए मैंने यहां पे यूज कर दिया तो सेंटेंस हो गया इट इज रादर डिफिकल्ट प्रॉब्लम। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं विदाउट एनी डिफरेंस इन द मीनिंग, इट इज अ रादर डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इट इज अ रादर डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है एवरीवन, तो ये छह अलग अलग पॉइंट्स थे जो आर्टिकल के अलग अलग पोजीशन को आपको दिखा रहे, बता रहे, समझा रहे, सिखा रहे। ओके एवरीवन, लास्ट टॉपिक इज रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल। देखिए एक वर्ड होता है रिपीट, आर ई पी ई ए टी, रिपीट है ना, रिपीट का मतलब क्या होता है, दोहराना है ना, फिर से करना, फिर से किसी कार्य को करना, रिपीट से ही बना है रेपिटेशन, रेपिटेशन यानी दोहराओ। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे एवरीवन कि आर्टिकल जब रिपीट होगा तो उसका क्या असर होगा नाउन पर, और जब रिपीट नहीं होगा तब क्या असर होगा, दोनों केसेस को हम समझेंगे। ध्यान दीजिए एवरीवन, देखिए सेंटेंस में नाउन यूज हुआ है ठीक है, और उसको क्वालिफाई करने दो एडजेक्टिव्स आए हैं। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस में नाउन है और उसको क्वालिफाई करने, उसकी विशेषता बतलाने, उसका गुण बतलाने दो एडजेक्टिव्स आए हुए हैं, और उन दोनों एडजेक्टिव्स को ऑब्वियस है एंड ने जोड़ा हुआ है। लेकिन ये जो आर्टिकल है एवरीवन वो सिर्फ पहले वाले के ही पहले आया है, दूसरे वाले के पहले नहीं आया है। तो अब आपको समझना है कि इस केस में नाउन का नंबर क्या होगा, सिंगुलर या प्लूरल। तो अगर आर्टिकल एक बार आता है एवरीवन तो नाउन का नंबर सिंगुलर होता है ना, अगर आर्टिकल रिपीट नहीं करेगा तो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा, एक वचन होगा है ना, मतलब एक वचन की बात होगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एंड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम और दो एडजेक्टिव को कनेक्ट कर रहे हैं, ब्लैक को और वाइट को, और ये दोनों एडजेक्टिव क्वालिफाई करने आए हैं किसको, काऊ को, ठीक है, और ए आया है ब्लैक के पहले, वाइट के पहले नहीं आया है, ठीक है, अ ब्लैक एंड वाइट। तब आपको बताना है, समझना है कि अ ब्लैक एंड वाइट काऊ होगा या काउज होगा। आर्टिकल एक ही बार आया है तो सिंगुलर की बात होगी कि प्लूरल की बात होगी, तो अभी बताया मैंने किसकी बात होगी, सिंगुलर की बात होगी। सो अ ब्लैक एंड वाइट काऊ बोलेंगे ना कि काउज, मतलब एक काली और सफेद गाय, मतलब एक ही गाय की बात हो रही है, काली भी वही है सफेद भी वही है। पॉइंट बहुत सिंपल है, आर्टिकल एक बार आया है नाउन सिंगुलर होगा, अगर आर्टिकल एक से अधिक बार आ गया इसका मतलब नाउन प्लूरल है। अब इसी सेंटेंस में देखिए क्या चेंज आएगा, अगर हम दोनों एडजेक्टिव्स के पहले आर्टिकल को यूज करते हैं, देखिए ब्लैक के पहले भी है और वाइट के पहले भी है, तब ये इजिली काउज हो जाएगा एवरीवन, ये काउ तो रहेगा नहीं, ये सिंगुलर तो रहेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, प्लूरल, मतलब अब दो दो गायों की बात होने लग गई, अब बात होने लग गई एवरीवन किसकी, दो गायों की, अब ब्लैक एंड वाइट काउज है ना, एक काली और एक सफेद गायें, मतलब एक काली है दूसरी सफेद है। तो आर्टिकल जब रिपीट होता है एवरीवन, आर्टिकल जब दोहराया जाता है, जब एक से अधिक बार यूज किया जाता है तो नाउन जो होता है वो प्लूरल हो जाता है। पॉइंट बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा है ना, एक बार आएगा सिंगुलर, एक से अधिक बार आएगा प्लूरल। या इस पॉइंट को आप उल्टा भी समझ सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में भी समझ सकते हैं, द रिवर्स ऑफ दिस रूल इज ऑल्सो ट्रू। कहने का मतलब है कि अगर नाउन सिंगुलर है और उसके लिए एक से अधिक एडजेक्टिव आया हुआ है, नाउन सिंगुलर है एडजेक्टिव उसके लिए एक से अधिक आया हुआ है, तो आर्टिकल कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा। लेकिन अगर नाउन प्लूरल हो गया, नाउन क्या हो गया, प्लूरल, और आर्टिकल एक से अधिक बार आया तो सॉरी एडजेक्टिव एक से अधिक बार आया तो आर्टिकल कितनी बार आएगा, ऑब्वियस है अगर नाउन प्लूरल है तो आर्टिकल भी एक से अधिक बार आएगा, ठीक है, जैसा कि आप इस केस में देख रहे हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं एवरीवन, ध्यान दीजिएगा, द पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, द पोएट एंड ड्रामेटिस्ट आर डेड,
दिस इज अ सेंटेंस, यू हैव टू टेल मी वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. क्या लगता है आपको, यह सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट? ये इनकरेक्ट सेंटेंस है. देखिए कैसे, द एक ही बार आए ना, द एक ही बार आए मतलब किसी एक ही व्यक्ति की बात हो रही है. एक ही व्यक्ति है जो पोएट भी है और ड्रामेटिस्ट भी है. सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर. तो वर्ब कैसे प्लूरल हो जाएगा? तो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, ये वाक्य गलत है, अशुद्ध है. तो हाउ टू करेक्ट इट, इसको कैसे ठीक करेंगे? देखिए इसको ठीक करने का दो तरीका है ना. या तो आप आर को इस कर दो और नहीं तो ड्रामेटिस्ट के पहले द ले आओ. या तो आर को इस करो नहीं तो ड्रामेटिस्ट के पहले द ले आओ, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाएगा. अगर आप ड्रामेटिस्ट के पहले द ले आएंगे, आर्टिकल को रिपीट करवा देंगे, तो नाउन ऑब्वियस से प्लूरल हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्वियस से प्लूरल हो जाएगा. और अभी कितने लोगों की बात होने लग जाएगी? दो लोगों की बात होने लग जाएगी. कितने लोगों की बात होने लग जाएगी एवरीवन? दो लोगों की बात होने लग जाएगी. एक पोएट था और एक ड्रामेटिस्ट था, है ना. दोनों डेड हो चुके है ना, दोनों की मृत्यु हो चुकी है, दोनों की मौत हो चुकी है. लेकिन अगर आर्टिकल एक ही बार आया है इस तरह से, द पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, ऑब्वियस है वर्ब सिंगुलर होगा और यहां पर एक ही व्यक्ति की बात होगी. एवरीवन, द पोएट एंड ड्रामेटिस्ट इज डेड, मतलब एक ही व्यक्ति है जिनकी मौत हुई है. अब पोएट भी वही है, ड्रामेटिस्ट भी वही है. तो पॉइंट बड़ा सिंपल है, एक बार फिर से सुनिए. नाउन सिंगुलर है तो आर्टिकल एक ही बार आएगा, नाउन प्लूरल होगा तो आर्टिकल एक से अधिक बार आएगा. अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर टू के तरफ. ये आखिरी टॉपिक का आखिरी पॉइंट है, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा, समझिएगा. देखिए एवरीवन, इसमें भी कुछ वैसा ही है. कहा जा रहा है कि अगर एंड से हमने दो एडजेक्टिव को कनेक्ट किया, लेकिन इस बार एडजेक्टिव के बदले ऑर्डिनल नंबर्स हैं. क्या है? ऑर्डिनल नंबर्स, क्रम सूचक संख्या, क्रम की सूचना देने वाली संख्याएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब. तो अगर एंड दो ऑर्डिनल नंबर को कनेक्ट करता है और दोनों ऑर्डिनल नंबर ऑब्वियस से किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, ध्यान देना यहां पे आर्टिकल पे, आर्टिकल एक ही बार आया है वो भी पहले वाले के पहले, आर्टिकल एक ही बार आया वो भी पहले वाले के पहले, तब नाउन का नंबर क्या होगा? नाउन का नंबर तब क्या होगा एवरीवन? पहले पॉइंट के अनुसार, पहला पॉइंट, पहला रूल जो कि जनरल रूल है, तो पहले पॉइंट के अनुसार जाएंगे तो नाउन सिंगुलर हो जाएगा. आर्टिकल एक बार आया तो नाउन क्या हो जाएगा? सिंगुलर. लेकिन ये सेकंड पॉइंट है ना, सेकंड पॉइंट है मतलब क्या, ये डिफरेंट पॉइंट है. वही बात यहां पढ़नी होती तो हम दोबारा उसको क्यों पढ़ते, सेकंड पॉइंट के नाम से क्यों पढ़ते? अब वो सेकंड है मतलब वो डिफरेंट है, और डिफरेंट क्या है? अपोजिट है. यहां पे बिल्कुल उल्टा होगा. अगर आर्टिकल एक बार आएगा तो नाउन को आप प्लूरल मानेंगे. सुन रहे, समझ रहे हैं? अगर आर्टिकल एक बार आएगा इस केस में तो नाउन को प्लूरल मानेंगे, और आर्टिकल अगर एक से अधिक बार आ गया तब नाउन सिंगुलर हो. एग्जाम्पल से देखिए और समझिए. एग्जाम्पल है द फर्स्ट एंड लास्ट. क्या लगता है कैसा नाउन होना चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल? चैप्टर होना चाहिए या चैप्टर्स होना चाहिए? क्या लगता है? तो एक ही बार आ रहा है ना आर्टिकल, आर्टिकल एक ही बार आ रहा है, क्या बोला जा रहा है कि इस केस में नाउन प्लूरल हो, तो चैप्टर्स होना चाहिए, चैप्टर नहीं होना चाहिए. लेकिन यही अगर ये लिखा है, ध्यान देंगे एवरीवन, द फर्स्ट एंड द लास्ट, तब नाउन सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, चैप्टर होगा. ठीक है एवरीवन, क्लियर है ना पॉइंट? तो इस तरह से ये जो लास्ट पॉइंट था, लास्ट टॉपिक चैप्टर आर्टिकल का, वो फिनिश होता है.